हेलो, मैं रानी यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रानी ब्लॉग्स में। और अभी देखिए हम लोग छत पे गेहूँ धुल रहे हैं। मेरे साथ इया हैं जो कि थोड़ा सा उनको देख सकते हैं आप, बगल की इया हैं, वही धुलने उलने आती हैं, कोई भी काम रहता है तो कर देती हैं, बहुत अच्छी हैं। तो हमने सोचा वो थोड़ी दूरी हैं, हमने सोचा कि वो अकेले परेशान होंगी, इससे अच्छा थोड़ा उनका हाथ बंटवा देते हैं तो कर भी रहे हैं और सीख भी लेंगे साथ साथ में, सीखना भी तो ज़रूरी है गाइस। यही है। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोपहर के टाइम में इसलिए हम लोग गेहूँ नहीं धुले हैं कि धूप भी बहुत तेज़ था, और गेहूँ जो नया वाला गेहूँ होता है उसको धुल के और एक दिन अगर बोरा में छोड़ दिया जाए, ये बोरा है, तो वो सही रहता है पेट उठ के लिए, जैसे उतना नुकसानदेह नहीं होता है। हाँ, उसका गर्माहट निकल जाता है, मेरे हस्बैंड बता रहे हैं। तो ये तो मुझे, क्योंकि पुराना वाला जो गेहूँ होता है उससे प्रॉब्लम नहीं होता, तो हम लोग के खेतों से कट के नया गेहूँ आया था तो अब यूज हो रहा है, इसीलिए हम लोग पहले इसको धुल के रात भर बोरा में रहने देंगे, फिर सुबह धूप होगा चला दिया जाएगा। पेस्टिसाइड पड़ती हैं इसमें, इसमें बहुत सारे खाद वगैरह भी पड़ते हैं, तो उसके लिए भी सही रहता है। और अभी एक बोरा पीछे धुला के रखा गया है, देख सकते हैं आप लोग, बाबू मेरा खड़ा है, उसको धुल के भर के रखेंगे। बाकी यहाँ हम लोग फिर लगे हुए हैं, यह है बेचारी निकाल के धुल रहे हैं, और हम लोग छान छान के बोरे में भर रहे हैं, और तब से बोरे में से निकाल के देते गए हैं, या से पाइप ऊपर चढ़ा देते हैं तो आराम से धुला जाता है। मेरा बच्चा पीछे बोल रहा है, देख लीजिए दोस्तों कितना धुलाया गया है। तो अब क्या बोलें, आप तो कुछ बोलना है नहीं, आप लोग गेहूँ धुलना देख सकते हैं, साथ साथ में मेरा बच्चा भी इंजॉय कर रहा है। बच्चों को बस पानी चाहिए, ये देखिए। और आप लोग का मेरा वीडियो कैसा लगता है, शॉर्ट्स वीडियो कमेंट्स में जरूर बताएं। बरसात के लिए शेयर कर रहे हैं लोग, बरसात के पहले बरसात के लिए सारा गेहूँ स्टोर किया जा रहा है, बरसात शुरू होने से पहले गेहूँ धुल के हम लोग रख लेते हैं ताकि बरसात में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर पिसवाते रहिए, बस सुखा के रख लीजिए और साफ करके, मतलब फटक के आप पिसवाओ, साफ करके उसको बस पिसवाने के लिए भेज दीजिए। ये देखिए पीछे मेरा बच्चा छत पे घूम रहा है, शाम का समय इसलिए अच्छा लग रहा है करने में, धूप में तो हालत खराब हो जाती है। अब ऐसे भी रात भर रखना होता है, या तो भिगो के छोड़ दीजिए 4-5 घंटे के लिए, या फिर आप ऐसे करके रख दीजिए बोरे में ही, सही रहेगा, पड़ा रहेगा पीछे बार तो चला दिया जाएगा, इसको भी आएंगे चला देंगे। हाय डॉक्टर, चलिए ठीक है फ्रेंड्स, तो ऊपर करिए आप कैमरा को, ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी गलती वगैरह हुआ होगा माफ़ करिएगा, बोलने में क्योंकि थोड़ा सा काम में भी दिमाग है मेरा लगा हुआ है। और अब वीडियो को यहीं पे करते हैं, ओके बाय, टेक केयर, चलिए।